वेलकम ट स्टूडेंट्स आज हम फ्लू मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लू का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करने जा रहे हैं तो यहाँ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और कुछ आपको सॉल्व करनी है तो जैसा कि हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं ये कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स है ये वो प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर में आ चुकी है या आ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वन अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से so examination point of view से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन So, जैसा कि हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास एमसीक्यू होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की देन देर आर थ्योरेटिकल क्वेश्चन डेरिवेशनल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज वेल So, इन तीनों के तीनों क्वेश्चन को, को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए वो हम देखेंगे इन तीनों के तीनों को फॉर्मेटाइज कैसे करना चाहिए वो हम देखेंगे जैसा कि हम बताते आए हैं थ्योरी क्वेश्चन के अंदर हम जब भी अटेम्प्ट करेंगे तो स्टार्टिंग की लाइन में फुल स्टॉप नहीं लगाना है सेकेंड और थर्ड लाइन में हम अगर फुल स्टॉप लगाते हैं देन इट विल गेट अ बेटर इंप्रेशन फॉर और विजिलेटर चेकअप सो so, अगर हम थियोरटिकल क्वेश्चन अटैम्प करते हैं तो किस तरीके से अटेप करना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन अटैम्प करना है तो किस तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच को बिल्ड करना चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दिस वन अगर डेरिवेशनल क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है तो डेरिवेशनल क्वेश्चन की स्टार्टिंग कंसिड्रेशन से करते हैं उन सब चीजों को कैसे करना है वो हम यहां पर देखेंगे तो लेट स्टार्ट बाय द फर्स्ट क्वेश्चन गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लूट सो so, जैसा कि हम लर्निंग मॉड्यूल में से पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लू किस तरीके से हमने यहाँ न्यूटोनियन फ्लू नॉन न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन न्यूट्रनियन के अंदर भी हमने काफी सारी बिंगम प्लास्टिक और और जो ये सारे देखे थे अपार्ट फ्रॉम दिस वन हमने और भी चीजें देखी थी फ्लू से रिलेटेड दैट्स कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्रूड इनकंप्रेसिबल फ्रूड रियल फ्लू एंड आइडियल फ्रूड तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम डाटा के अंदर अप्रोप्रिएट फॉर्मेट के अंदर अलाइन कर सकते हैं वो हम देखेंगे So, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है सबसे पहले हमें एक हेडिंग देना बहुत जरूरी है किसी भी आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें एक सब हेडिंग देना बहुत जरूरी होगा लाइक like, अगर हमारे पास आता है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ लूड तो यहां पे जो हैडिंग होनी चाहिए दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूड की बात करते हैं तो यहां पर आप दो मेथड से इसे कर सकते हैं एक तो क्लाउड फॉर्मेशन बना सकते हैं जैसा कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में देखा था और उन क्लाउड फॉर्मेशन में आप अलग अलग फ्रूड को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर ये करते हैं तो इसके बाद आपको एक एक पॉइंट को लाइक ए बी सी डी एंड ई देन एक्सप्लेनेशन में लेना होगा सो so क्लासिफिकेशन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन में लेना होगा तो अगेन आपको एक हेडिंग देना बहुत जरूरी है एंड आफ्टर दिस वन शुड अप्लाई इट लाइक इन दिस मै नॉट ऐसे सिमिलरली बी पार्ट के लिए हम करेंगे सी डी एन ई पार्ट के लिए तो एक बेटर फॉर्मेट होता है टू क्लासिफाई द फ्लूड तो जैसा कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहां पर करने वाले हैं किस तरीके से हमने पहले क्लाउड फॉर्मेशन दी क्लाउड फॉर्मेशन के बाद हम वन बाय वन इसे एक्सप्लेनेशन में लेंगे वन मोर थिंग द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि कभी भी आप किसी भी चीज की डेफिनेशन देते हैं या किसी भी चीज के बारे में बताते हैं तो उसका एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी होता है सो so जैसा कि हमने लर्निंग मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे थे Uh, let's suppose, अगर हम भिंगम प्लास्टिक को एक्सप्लेन uh, कर रहे हैं तो भिंगम प्लास्टिक का जो एग्जाम्पल हमने देखा टूथपेस्ट तो ये सारे एग्जाम्पल हम वहां पर लिख सकते हैं सो आई होपू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो थियोरटिकल क्वेश्चन के अंदर अगर क्लासिफिकेशन आ जाती है तो क्लासिफिकेशन हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करनी है आई थिंक यू गैट इट नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लू एंड आइडियल एंड रियल फ्लू अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि व्हाट इज कंप्रेसिबल फ्रूट और इनकम्प्रेसिबल फ्रूट अगर हम बात करें कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्रूट की तो जैसा कि हमने लर्डिंग मॉड्यूल में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी बेसिस ऑफ आइडियल पीवीज इक्वल टू एमआर के बेस पर हमने इसको देखा था सो so यहाँ पे डेंसिटी के बेस पर हम इसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे जैसा किसप्लेन द फॉलोइंग फर्स्ट वन इज कम्प्रेसिबल अनदर वन इज इनकम्प्रेसिबल एंड सेकेंड में आइडियल और रियल फ्रूड तो इनको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास दो मैथड है फर्स्ट वन हम लिख सकते हैं कंप्रेसिबल फ्रूड हम लिख सकते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लू सो इस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म दे सकते हैं और टेबुलर फॉर्म के अंदर जो भी हमने पॉइंट लिखे थे ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी और मास डेंसिटी तो ये सब हम यहाँ पर बता सकते हैं जिसमें हमने लिखा था इज कॉन्स्टेंट इन वन And is not in one, तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं जैसा कि हमने देखा था इनकम्प्रेसिबल के अंदर डेंसिटी हमारी कॉन्स्टेंट रहती थी और कंप्रेसिबल के अंदर हमारी कॉन्स्टेंट नहीं रहती थी सो तो ये सारी चीजें हम वहां पे एक्सप्लेनेशन में ले सकते हैं वन मोर थिंग अगर आप इस तरीके के आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो जो भी नोटेशन जैसे हमने यहाँ पे लिखी कॉन्स्टेंट टर्म से रिलेटेड तो इसको आप हाईलाइट कर सकेंगे सो तो अगर आप यहाँ पे इसे हाईलाइट करते हैं तो इट इज बेस्ट मेथड टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दिस में आप कंप्रेसिबल फ्लू लिखते हैं तो आपको इसका एक एग्जाम्पल देना होगा इनकम्प्रेसिबल फ्रूड लिखते हैं तो आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देना होगा जो कि हम लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ चुके हैं सो अगर, है, so अगर हमें रियल फ्लूड और आइडियल फ्लूड अटेम्प्ट करना है तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है अब कंप्रेसिबल फ्लूड और इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइक इट इज रियल फ्लूड एंड इट इज आइडियल फ्लूड So, यहां पर भी हम इसे नोटिफाई कर सकेंगे सो द रियल फ्लूड एंड द आइडियल फूड तो इसी तरीके से जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट विद एग्जाम्पल दे सकते हैं सो so, यहां पर हम क्या ले सकते हैं आइडियल फ्लूड और रियल फ्लू में एग्जाम्पल नॉन न्यूटोनियन फ्लूड और नॉन न्यूटोनियन फ्लू जो कि हमने लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ा हुआ है तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए और अलग अलग तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं अगर डेफिनेशन वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए कंपैरिजन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें कैसे अटेंट करना चाहिए और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हो थ्योरेटिकल तो उन्हें कैसे अटेम्प करना चाहिए वो हमने देखा सो so, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट हमारी टाइप आती है वो आती है न्यूमेरिकल टाइप अगर हम न्यूमेरिकल टाइप के अप्रोच लगाते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए विद एन अप्रोप्रिएट मैनर लेट सी बाय द फर्स्ट क्वेश्चन आइए इससे रिलेटेड हम कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं अगर हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंपैरिजन वाइज या कुछ और टाइप्स के आ जाते हैं तो उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है लेट्स सी बाय फर्स्ट क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटोनियन फ्रूड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्रूड जो जैसा कि हम देख चुके हैं न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन के हमने ढेरों एक्जाम्पल लर्निंग मॉड्यूल में करे थे यहाँ पे हमने प्रिंटर्स की इंक लिपस्टिक रियोपेक्टिक और ये सब चीजें भींगम प्लास्टिक सुडो प्लास्टिक डायलेटिन ये सब हमने नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन फ्रूड से रिलेटेड पढ़ा हुआ है सो न्यूटोनियन फूड और नॉन न्यूटोनियन फ्यूड में हमें यहाँ पे डेफिनेशन देनी है तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं डेफिनेशन के तो उसे हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे लेट्स सी सो अगर हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की सो so यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक हेडिंग देनी होगी जो हमने दी एंड आफ्टर दिस वन राइट अबाउट न्यूटोनियन फ्लूड सो so, जैसा कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं उसे हमें नॉन न्यूटोनियन फूड की फॉर्म में लिखना है सो so, जैसा कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वहां पे पढ़ा था वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और भी हम बहुत कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था सो so, उससे हमने निकाला था न्यूटोनियन फूड के बारे में और उसके बाद हमने एक यहाँ पर ग्राफ देखा था सो so, वो सब चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथेमेटिकली सो मैथेमेटिकली ग्राफ बनाने के बाद और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम उसे बॉक्स में क्लोज करेंगे एंड आफ्टर देन गिव एग्जांपल्स तो ये सब चीजें हम लर्निंग मॉड्यूल में पढ़ चुके है, तो हैं तो इसलिए हम यहां पर दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं सो लर्निंग मॉड्यूल के अंदर हमने ये सारा डाटा पढ़ा हुआ है जस्ट अलाइन इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट अब बात आती है नॉन न्यूट्रेनियन फीड की अब अगर हम बात करते हैं नॉन न्यूट्रेनियन फीड की तो so, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है नॉन न्यूटनियन फूड के काफी टाइप्स थे लाइक डायलेट एंड बिंगम प्लास्टिक, प्लास्टिक और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम उन्हें लिखना चाहते हैं तो so, जैसा कि हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन न्यूटोनियन फ्लू के अंदर दिया नॉन न्यूटन फ्लूड के अंदर देंगे एंड आफ्टर देन गिव इट्स टाइप

दैट्स कॉल्ड न्यूटोनियन फ्रूड और नॉन न्यूटोनियन फ्रूड अगर इससे भी कम मार्क्स में आ जाए तो जस्ट फॉर्मेट यही रखना होगा ग्राफ आप ड्रॉ नहीं करेंगे बिना ग्राफ करे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इजेक्टेड सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्रूड को पढ़ा सेकेंड सेकेंड आता डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड रियल फ्रूड जैसा कि हमें अभी प्रीवियस देखते हुए भी आए हैं अगर हमें कंपैरिजन दे दिया जाता है आइडियल और रियल फ्रूट्स का तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और अगर हमसे डेफिनेशन मांग ली जाती है तो कैसे अटेम्प्ट करना है बट यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन मांगा है हमसे कि आइडियल और रियल फ्रूट में कंपैरिजन क्या होगा सो so, के लिए एज वी नो दैट इट इज आइडियल फ्लूड एंड इट इज रियल फ्लूड फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इस तरीके से हम यहां पर इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें थियोरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए अगर हमारे पास डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो थ्रिटिकल क्वेश्चन कैसे करने चाहिए कंपेरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो थ्रियटिकल क्वेश्चन कैसे करने चाहिए और अगर यही क्लासिफिकेशन में आ जाता है तो क्लासिफिकेशन में किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है हमने यहाँ पर देखा अपार्ट फ्रॉम दिस वन अगर हम इन दो क्वेश्चन को इसके अलावा जितने भी हमने लर्निंग मॉड्यूल में टॉपिक्स करे हुए हैं तो इसके बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं देन यू आर कैपेबल टू हैंडल ऑल टाइप्स ऑफ थेटिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक So I hope you understand this concept very well.